नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर में पशु तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों को जान से मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज रेवतीपुर के तिलवा मोड़ पर, जहां एसओ राजेश त्रिपाठी ने अपने हमराइयों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तेजी से आती एक डीसीएम को जैसे ही उन्होंने रोकने का इशारा किया, ड्राइवर ने उसकी गति बढ़ा दी और एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर डीसीएम चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि एसओ और पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, पर डीसीएम आगे जाकर पलट गई और उसमें लदे 39 बेजुबान जानवरों की जान चली गई। गाड़ी में कुल 59 पशुओं को ठूस कर भरा गया था और उनके गर्दन व पैर पर रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 20 पशु किसी तरह बच गए। एसओ ने बताया कि डीसीएम पर हरियाणा का नंबर लगा हुआ था और यह बिहार की तरफ से आ रही थी और यूपी के रामपुर जा रही थी। जब पुलिस ने गाड़ी को पीछा शुरू किया तो पशु तस्करी चलती गाड़ी से कूदकर भागने लगे, जिससे गाड़ी पलट गई। जरिए मुखबिर जानकारी हुई, कुछ पशु तस्कर जो है बड़ी गाड़ी से पशुओं को लाद करके ले जा रहे हैं। इस सूचना पर हम तिलवा मोड़ पर सघन चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान एक डीसीएम गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तो वो हम पुलिस वालों को जान से मारने के लिए इसे चढ़ाने का प्रयास किया, जिस पर जो है हमें शक हुआ कि इसमें अवश्य कोई संदिग्ध है, तो हमने उसका पीछा किया। थानाध्यक्ष सुगल को भी जरिए मोबाइल सूचना दी, तत्काल जो है घेराबंदी कर लें। इस पर जो है पशु तस्कर जो है भागे और डेढ़गवा के पास जो है निर्माणाधीन सड़क पर जो है इनकी गाड़ी उलट गई, जिसमें से दो महबूब अली और लक्ष्मण कुरेशी को पकड़ लिया है, जो एक शामली का रहने वाला है, हरियाणा शामली का, दूसरा जो है दिल्ली का, दोनों गिरफ्तार किया। कितने जिंदा इसमें जो है, ये 22 जिंदा है और कितने मृतक हैं? 20 जिंदा और 39 20 जिंदा है और 39 मृतक। पोस्टमार्टम का डिस्चार्ज, हाँ जी, मरे हुए पशुओं को पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है, डॉक्टर बुला लिया हूँ और जो है जिंदा को जो है